और काम कम करते हैं। कोच अपनी कामयाबियों से और अपनी कारकर्दगी से पहचाना जाता है, ये सिर्फ कोच ही नहीं हर शख्स, अगर खिलाड़ी भी अपनी कामयाबियों से पहचाना जाता है। दूसरी बात इसके ऊपर ले लें, आपके कप्तान हमारी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल ओलंपियन शहबाज अहमद सीनियर साहब, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि जो हमारे कोचेज हैं पाकिस्तानी कोचेज, उनकी जो प्लेयर्स हैंडलिंग है और मैनेजमेंट है, प्लेयर्स मैनेजमेंट, वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितनी कि होनी चाहिए, जो उन्होंने बहस की थी एडमिनिस्ट्रेटर इस नतीजे पर पहुंचे हैं। इसके बावजूद भी आप ये समझते हैं कि अगर ये टीम अच्छा खेली है कॉमनवेल्थ गेम्स में और आज भी अच्छा खेलेगी चैंपियंस ट्रॉफी में भी, हमारी जो ख्वाहिश है तो वो तो यही है कि अच्छा खेले, तो आपके ख्याल में फिर भी कोच का कोई अमल दखल नहीं है? देखें, आपने बहुत सारी चीज़ें ना मिक्स कर दी और ठीक की, सारी बातें गलत नहीं की। शहबाज सीनियर साहब को हॉलैंड बहुत पसंद रहा सारी जिंदगी, मुझे मैं खेलने गया था, खिलाने गया था वहाँ पे, यानी कि कप्तान हमारे जो सीनियर हैं और कप्तान वन ऑफ द बेस्ट सुपरस्टार, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, लेकिन कप्तान वहाँ सिर्फ खेलता था, हम कोचिंग भी करते थे। कप्तान के क्लब में जाके मुझे कहते थे यार बेल्जियम चले जाओ, जा कोचिंग करके आओ, यार आप उधर जाओ कोचिंग करके आओ, जाता था। तो हम खेलते भी थे, खिलाते भी थे। गोरा पाकिस्तानी और एशियन से ज़्यादा क्रिएटिव नहीं है हॉकी में, शहबाज सीनियर पैदा नहीं हो सकता, ये मेरे से, मैं इस बात पे बिलीव है मेरा, ज़िकाउद्दीन पैदा नहीं हो सकता। हाँ, बैड टाइम आया, हमने ये तो कहते हैं कि गोरे कोच के डिसीजन और टीम हैंडलिंग वैसी नहीं है, क्या इन ढाई सालों में हमने अपने कोचेज के लिए कोई ऐसे एजुकेशन प्रोग्राम डिज़ाइन कर दिया? यार मेरी बात नवीन।